गुरुग्राम में आबकारी विभाग का ठेकों की नीलामी से करोड़ों की कमाई हुई है और ईस्ट जोन में 79 शराब की दुकानों की नीलामी हुई है, तो वहीं वेस्ट जोन में 83 दुकानों की नीलामी की गई। सबसे महंगी बोली दिल्ली गुरुग्राम मेहरौली बॉर्डर पर शराब की दुकान की हुई, जो 43,82,90,000 रुपए में हुई। शराब की दुकानों की हुई नीलामी पर डिप्टी एक्साइज कमिश्नर रविंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने। एक्साइज की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा को गुरुग्राम से जो एक्साइज का रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा जाता है, और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी एक्साइज कमिश्नर रविंद्र सिंह। उन्हीं से जानते हैं कि लगभग कितना रेवेन्यू जो है इस बार एक्साइज ने दिया है। अब की बार हमने लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 63% ज़्यादा रेवेन्यू दिया है। पिछले साल 568 करोड़ की लाइसेंस फीस थी, उसके अगेंस्ट हमें 930 करोड़ करीब अभी हमें मिल चुके हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे चार जोन अभी बकाया हैं, चार जोन से हमें लगभग 23 करोड़ रुपए और मिलने की संभावना है। सर, गुरुग्राम की अगर बात करें तो सबसे महंगा ठेका जो है गुरुग्राम में वो कितने का रहा? सबसे महंगा गुरुग्राम का ठेका मेहरौली बॉर्डर दिल्ली पर रहा, जिसकी हमने रिजर्व प्राइस 22 करोड़ रखी थी, और 22 करोड़ के अगेंस्ट हमें 43 करोड़ की फाइनल बिड प्राप्त हुई। सब बात करें गुरुग्राम की तो कितने जो हैं शराब के ठेके जो गुरुग्राम में हैं वो आते हैं? हमारे फरीदाबाद गुरुग्राम ईस्ट में लगभग 79 ठेके आते हैं। सर, ऑक्शन कितने की हो चुके हैं फिलहाल? अब तक ऑक्शन हमारी 75 की हो चुकी है और 4 पेंडिंग पड़े हैं। सर, कितना रेवेन्यू मान लें कि जो गुरुग्राम से जाता है, तो मान सकते हैं कि 40% अकेला गुरुग्राम है जो वो दे? लगभग गुरुग्राम से ईस्ट और वेस्ट से लगभग 40% का कंट्रीब्यूशन हरियाणा की स्टेट एक्साइज रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होता है। इस बार सर नई एक्साइज पॉलिसी भी आई थी कि जो कॉरपोरेट ऑफिस हैं उसमें भी जो है अब जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो शराब का जो है सेवन उस कंपनी में हो सकता है। हाँ, उनके लिए भी सुविधा दी है, और वो एक अपना लाइसेंस अप्लाई करेंगे। जिन कॉरपोरेट की में एम्प्लॉयज़ की संख्या 5,000 से ऊपर है उनके लिए वो दिए जाएंगे। तो अब तक कोई सर ऐसा आपके पास आया है कि किसी ने लाइसेंस लिया हो? क्योंकि तमाम जो है कॉरपोरेट ऑफिस गुरुग्राम में अभी तक कोई नहीं दिया है, क्योंकि अब प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो हमें उम्मीद है कि 11 जून से पहले आने की संभावना है। देखिए, ये थे मेरे साथ डिप्टी एक्साइज कमिश्नर रविंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि लगभग 40% जो एक्साइज का रेवेन्यू है वो गुरुग्राम से जाता है, और वहीं जो नई एक्साइज पॉलिसी जो आई थी कि अब कॉरपोरेट ऑफिस में भी जो है शराब का सेवन किया जा सकता है, फिलहाल उसका जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है और जल्द ही उसके भी आवेदन आने शुरू हो जाएंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता टीवी, गुरुग्राम।